जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम शो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्यार और इतना दुलार देने के लिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और फेसबुक पर ज़रूर हमारा पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम हमेशा आपको बताते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। ज्योतिष शास्त्र की 5 रहस्यमय बातें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर हम इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वो 5 नीतियाँ जिन नीतियों से शायद मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, वो नीतियाँ जिससे आपकी सब समस्याओं का हल हो सकता है। सबसे पहली और मुख्य नीति है धैर्य। ज्योतिष के आधारों पर दोस्तों, कोई भी ग्रह बहुत उसकी चाल के हिसाब से चलता है, उसकी आवरण में चलता है और उसके माध्यम से चलता है। वो सूर्य के प्रकाश, सूर्य ग्रहों का राजा है, सभी ग्रहों में मेन, सभी उससे प्रकाश लेते हैं। तो आप अपने जीवन में धैर्य हमेशा रखें, चाहे कुछ भी हो, धैर्य को हमेशा बनाए रखें। धैर्य होगा तो जीवन होगा और जीवन है तो धैर्य है। दूसरी बात हो गई कि सततता। कोई भी काम है उसमें कंटिन्यूटी होना जरूरी है, आपकी सततता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक आप उसमें कंटिन्यू सतत उस काम को नहीं करते हैं, और जैसे कि अभी कर लिया थोड़े दिन तक फिर छोड़ दिया, कोई भी, या तो अध्यात्म की बात हो या कोई भी काम हो, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है हमेशा पॉजिटिव होना, सकारात्मक रहना, सकारात्मकता को प्रोत्साहित करना और सकारात्मक जीवन में एक पूरा आवरण, अपने आसपास का माहौल बिल्कुल सकारात्मक और खुशहाल बना के रखें। ऐसे क्रिएटिव वर्क्स हमेशा करते रहें जो आपके लिए सकारात्मक हो। इसीलिए कहता हूँ मैं, घर में पौधे लगाएं और गुलाब का पौधा लगाएं, जो भी अच्छी अच्छी हरियाली टाइप होता है वो उस तरह का हो, आप गार्डन में घूमने जाएं, तो जो भी चीज़ें सकारात्मक होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों पर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। 3 जो मैंने आपको मंत्र बताया, ये 3 नीतियाँ हैं जो बहुत ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। बची 2 नीतियों में सबसे पहली बात है आपका डेडिकेशन। आप किसी भी काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं, कितनी शिद्दत से करते हैं, ये बहुत ज़्यादा दर्शाता है उसकी सफलता के लिए। तो आप इन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस करें और कंटिन्यू रहें। दोस्तों, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्योतिष में एक पीक टाइम ऐसा आता है कि आदमी को सब कुछ मिल जाता है और फिर सब कुछ चला जाता है। ये बिल्कुल एक चक्र है, आपके पास सब कुछ मिल जाएगा, या तो सब नहीं होगा या सब कुछ होगा। होने के बाद भी बहुत से ऐसे अभाव पैदा हो जाएंगे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। नहीं है तो बहुत सी चीज़ें नहीं होने का अभाव पैदा हो जाएगा, लेकिन इसका जो सेंस है वो पाना और खोना, ये दोनों चीज़ों पर आधार है। स्थिरता कहीं भी नहीं है, स्थिरता केवल ईश्वर के चरणों में है, ईश्वर के नाम में है। तो स्थिरता अगर आप चाहते हैं तो हमेशा किसी भी जगह पर रहें, हमेशा विनम्रता और सहज और सरल रहें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो की जानकारी बहुत अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमेशा आपको अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे उपलब्ध कराना, और अभी सभी ग्रहों को यदि आप सही रखना चाहते हैं तो शिव जी को रोज जल चढ़ाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत।